न्यू एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 और 1.4 का हमारे पास कौन सा है क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है। अब हमने क्या करना है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6, वो भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, इसी तरह ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास तीन मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है और एक मैट्रिक्स सी है। देन हमने वेरीफाई करना है कि भाई ये एक साइड इक्वल है दूसरी साइड के। इस तरह हमारे पास दो पार्ट है और दो सेम पार्ट है, बस सिर्फ क्या है मैट्रिक्स चेंज है। हमारे पास क्या है फर्स्ट पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड है। इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने प्रूव करना है कि दोनों इक्वल है। अब हमारे पास क्या है, आप कोई भी साइड ले सकते हैं और आप किसी भी साइड को प्रूव कर सकते हैं, या फिर आप दोनों साइड को बारी बारी से प्रूव करें, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, अगर हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको पता है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, ए मल्टीप्लाई बी एंड ट्रांसपोज। हमने ए बी को मल्टीप्लाई करना है, उसका ट्रांसपोज लेना है। अब पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे देन ट्रांसपोज लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और बी को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करने में पहले ए आ रहा है, तो हम ए का मैट्रिक्स लिखेंगे -1, 3, 2 और ये 0। इसके बाद बी मैट्रिक्स आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, बी के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ। बी का मैट्रिक्स क्वेश्चन में से देखकर लिखेंगे। आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो, बस आपने पहले सवाल से देखकर ए मैट्रिक्स लिखना है, देन बी मैट्रिक्स लिखना है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का उसूल क्या है, मल्टीप्लाई का तरीका क्या है, कि भाई हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से, देन सेकंड रो को दोनों कॉलम से। किस तरीके से देखें, ये आपने ए और बी को मल्टीप्लाई किया, देखें सबसे पहले फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा, विद साइन मल्टीप्लाई होगा, साइन भी लगाएंगे। आप जब माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन वन जब वन हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। इसके बाद सेम आपने यहाँ से नेक्स्ट नंबर, वहां से नीचे वाला नेक्स्ट नंबर, यहाँ से आप 3 से 3 को इस माइनस 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 9 एंड प्लस माइनस माइनस। उसके बाद आपने जगह छोड़ देनी है क्योंकि हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, तो माइनस वन मतलब वन मल्टीप्लाई बाय टू टू आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। फिर यहाँ से नेक्स्ट नंबर, वहां से नीचे वाला नेक्स्ट नंबर जाएंगे क्योंकि फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पर 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हो जाएगा 15, यहाँ प्लस से यहाँ माइनस से प्लस माइनस माइनस। इसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड रो को दोनों कॉलम से बिल्कुल सेम आपने मल्टीप्लाई करवाना है। फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 1 2, यहां से 0, वहां से 3, 0 3 0 एंड आपके पास प्लस माइनस माइनस। बिल्कुल इसी तरीके से आपने क्या करना है, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4, यहां से नेक्स्ट नंबर, वहां से नेक्स्ट नंबर, 0 5 0 एंड बीच में प्लस माइनस माइनस। इसके बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है, ए बी इज इक्वल्स टू, जैसे कि आपको नजर आ रहा है माइनस माइनस प्लस, 1 और 9 कितने होते हैं, 10 होते हैं, और साइन कौन सी लगाते हैं, हम हमेशा बड़े नंबर की साइन लगाते हैं, ये माइनस 10। इसके बाद 2 माइनस माइनस अगेन प्लस, 2 और 15 ये होते हैं 17, और साइन कौन सी लगाते हैं, बड़े नंबर की लगाते हैं। इसके बाद आपके पास क्या है, 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, 4 माइनस 0 4 हो जाएगा। हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, अब हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। अब ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं, हम लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, क्योंकि हम इसको दोनों तरफ ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। अब हमने क्या करना है, इस साइड ए एंड बी के ऊपर ट्रांसपोज लेना है, एंड यहाँ पर अब आपकी मर्जी है कि आप एक स्टेप में इसके ऊपर ट्रांसपोज पिछले क्वेश्चन की तरह लिखते हैं देन अगेन ट्रांसपोज निकालते हैं, या फिर आप डायरेक्ट क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकाल देते हैं। जैसे कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ये रो है इसको कॉलम बना देना है, ये रो के नंबर ऐसे लिखे हुए इसको आपने इस तरह करके लिखना है, वर्टिकल फॉर्म में लिखना है, मीन्स के कॉलम बना के लिखना है। ये सेकंड रो है इसको आपने सेकंड कॉलम बना दिया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल सेम हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, पहले बी का ट्रांसपोज देन ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहाँ पर पहले हमने ट्रांसपोज निकालना होगा देन हमने मल्टीप्लाई करना होगा, तो पहले लिखा हुआ है बी ट्रांसपोज देन ए ट्रांसपोज, तो हम पहले क्या करेंगे, बी का मैट्रिक्स लिखेंगे, बी का मैट्रिक्स है 1, 2, -3, -5 और इसके ऊपर क्या लिखना है, हमने ट्रांसपोज लगा देना है। इसके बाद ए का मैट्रिक्स लिखेंगे -1
थ्री एंड टू एंड जीरो, और इसके ऊपर क्या कर देंगे, ट्रांसपोज लगा देंगे। अब बिल्कुल सेम ट्रांसपोज आपने किस तरह निकालना है भाई, आपने रो को कॉलम बना देना है, कॉलम को रो बना देना है। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, ये रो है इसको हम कॉलम बना देंगे, ये रो है इसको हम क्या कर देंगे कॉलम बना देंगे, ये ट्रांसपोज निकल गया। बिल्कुल सेम इसका भी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा माइनस वन थ्री, ये हो जाएगा टू एंड जीरो ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज निकालने के बाद हम क्या करते हैं, हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, बिल्कुल सेम जिस तरह आपने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आप दोनों में सेम मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वन वन जा वन, साथ में प्लस माइनस माइनस, इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट नंबर, वहां से नीचे वाला नेक्स्ट नंबर, थ्री थ्री जा नाइन हो जाएगा एंड माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। बिल्कुल सेम फर्स्ट नंबर को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे, वन टू जा टू हो जाएगा, देन थ्री जीरो जा जीरो एंड प्लस माइनस माइनस। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने क्या किया, दोनों फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया, अब आपने सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। बिल्कुल सेम फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है, टू वन जा टू प्लस माइनस माइनस, सेकंड नंबर को सेकंड वाले से करवाना है, फाइव थ्री जा फिफ्टीन माइनस प्लस माइनस। बिल्कुल सेम आपने क्या करना है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, टू टू जा फोर एंड यहाँ पर फाइव जीरो जा जीरो प्लस माइनस माइनस। अब आपने सिंपल क्या कर देना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस वन एंड नाइन कितने होते हैं टेन, साइन कौन सी लगाएंगे बड़े नंबर की, यहाँ पर टू में से जीरो माइनस होगा तो टू आएगा, माइनस माइनस प्लस टू और फिफ्टीन कितने होते हैं सेवनटीन, साइन कौन सी लगाएंगे बड़े नंबर की, फोर में से जीरो माइनस होगा तो क्या आएगा फोर। अब आप देख सकते हैं कि भाई ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर था, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, और ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर है, तो बिल्कुल क्या है विद साइन भी सेम होनी चाहिए, नंबर भी सेम होने चाहिए, सेम प्लेस पर होने चाहिए, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के आंसर के, और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया प्रूफ हो गया। इस तरीके से बिल्कुल सेम आप क्या कर सकते हैं, इसका सेकंड पार्ट प्रूफ कर सकते हैं, सिर्फ क्या करना है, इसने यहाँ पर आपने ए एंड बी को यूज किया है, यहाँ पर आप क्या करेंगे बी एंड सी को यूज करेंगे, और मल्टीप्लाई का तरीका, अगर आप मल्टीप्लाई का तरीका सेम अख्तियार करते हैं, गलती नहीं करते हैं, तो आपका आंसर प्रूफ हो जाएगा।